हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन की। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे पास करती है। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है कि जैसे ये कोई सरफेस, स्मूथ सरफेस दिया है आपको, दिस इज ए स्मूथ सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस। अगर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो ये जो है यहाँ से दूसरे इसी मीडियम में वापस चली जाती है। मतलब अगर वो एयर से आई थी, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो बीच में होता है ये इसका नॉर्मल होता है। यहाँ पे आई और आर जो है आपस में इक्वल होते हैं, आई आर इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। कहने का मतलब है कि अगर आई यहाँ पे 30 होगा तो आर भी 30 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई जो है 45 है तो आर भी 45 ही होगा। ये तो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर और समझना चाहते हो तो जैसे मान लो ये कोई बॉल है, आप इसके ऊपर ये वाली बॉल को स्ट्राइक करते हो, यहाँ पे इसको डालते हो, तो ये बॉल इसी तरफ आपकी तरफ वापस आ जाती है, तो ये केस है रिफ्लेक्शन का। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो जब सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये बाउंस बैक ऑन द सेम साइड, मतलब उसी साइड में वापस चली जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आप ये जो कोई सरफेस आपको दिया है, अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो जब लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब कि जब यहाँ से लाइट आ रही थी तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, एक सरफेस से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ओके। कहने का मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट जो है एक पाथ से दूसरे पाथ में जाती है, मतलब चेंज इन ए डायरेक्शन, मतलब यहाँ से आ रही थी ये अपना पाथ चेंज कर गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल्स हैं, ये देखो। फर्स्ट रूल ये है, ये जैसे कोई सरफेस है, पहले आप एक और चीज नोट करो, पहले जो है मीडियम, मीडियम जो है थ्री टाइप का होता है, एयर, वाटर और ग्लास। ठीक है, जो एयर वाला मीडियम होता है ये रेयरर मीडियम होता है, और जो वाटर और ग्लास का है मीडियम वो डेंसर होता है। ठीक है, रेयरर का मतलब है कि जो पार्टिकल है काफी दूर दूर है, जैसे आप एयर जो है एयर में आप अपना हाथ घुमा सकते हो इजीली, लेकिन अगर मैं यही आपको एग्जांपल दूं कि आप ग्लास और वाटर में आप जो है अपना हाथ घुमाओ तो आपको थोड़ा फोर्स लगती है, ग्लास में तो हाथ घूमेगा नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप दीवार है आपके सामने, वॉल है कोई, तो आप उससे जो है हाथ दूसरी साइड ले जाओ, तो इज दिस पॉसिबल, नहीं। तो मतलब कहने का मतलब जो वॉल है वो डेंस है, ठीक है, डेंसर है,
वाटर भी डेंसर है। जब आप स्विमिंग करते हो तो आपको पानी के अंदर हाथ घुमाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि मीडियम जो है वो क्या है, तीन तरह का होता है, एयर, वाटर और ग्लास। एयर को रेयरर मीडियम बोला जाता है, वाटर और ग्लास को डेंसर मीडियम बोला जाता है। रेयरर का मतलब है पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, जैसे एयर पार्टिकल काफी दूर दूर है तो हम एयर में आसानी से हाथ घुमा लेते हैं, लेकिन ग्लास और वाटर ये डेंसर होता है, इसमें थोड़ा हाथ घुमाना मुश्किल होता है। अब देखो इसमें कुछ रूल्स काम करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये कोई सरफस है, ये दो मीडियम को अलग कर रहा है, ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, ठीक है। एयर वाटर मीडियम या ग्लास मीडियम, वाटर भी हो सकता है ग्लास भी हो सकता है। अब इसका रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई लाइट को यहाँ स्ट्राइक करते हो तो ये जो है इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल बनेगा। इसको मैं दोबारा से बना देती हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका नॉर्मल है। और कहने का मतलब है कि ये एयर, एयर मतलब रेयरर से लाइट डेंसर में आ रही है। जब रेयरर से वो डेंसर में आएगी, यहाँ पे लिख लो डेंसर, तो ये जो है बेंड टूवर्ड, टूवर्ड मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी लाइट। तो दिस लाइट इज कॉल्ड, ये रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। समझ आया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल को आप डॉटेड भी बना सकते हो। तो जब रे जो है एयर मीडियम से डेंसर में शिफ्ट होगी तो वो जो है बेंड करेगी और उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। यहाँ पे एयर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा होती है और वाटर और ग्लास में इसकी स्पीड कम होती है। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आपको ये मीडियम, ये सरफस दिया है, ये कोई, देखो ये कोई यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो अब ये जो है ये डेंसर मीडियम है और ये एयर से, अब डेंसर टू एयर आ रही है तो ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये काफी बड़ा एंगल बनेगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से पीछे हटेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि इफ रे ऑफ लाइट, लाइट गोज फ्रॉम, गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट विल हैपन इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो आप क्या बोलोगे, बेंड टूवर्ड की, तो क्या लाइट के साथ क्या होगा, तो जो लाइट है, इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, तो ये इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर डेंसर टू रेयर जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो आपका आंसर होना चाहिए इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अगर आपको पूछा है डेंसर टू रेयरर, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो दो रूल हो गए। इसके बाद एक रूल और होता है, थर्ड रूल है कि अगर कोई लाइट बिल्कुल सीधा पड़ रही है, ऐसे सीधा, जैसे आप टॉर्च को यहाँ पे सीधा इसके ऊपर, सरफस के ऊपर स्ट्राइक करते हो, तो ये लाइट बिल्कुल सीधा निकल जाती है। जैसे ये मीडियम वन है, मीडियम वन और यहाँ पे मीडियम टू, ठीक है, तो ये बिल्कुल डेविएट, मतलब कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करेगी। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल भी जीरो है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी जीरो है, तो कहने का मतलब यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन अकर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि ये आपको कोई सरफस दे रखा है, आप कोई लाइट यहाँ पे बिल्कुल जो है
इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 के एंगल पे बिल्कुल सीधी लाइट आ रही है, तो ये बिना झुके हुए या मुड़े हुए ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। और अगर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो आप लिखोगे नो रिफ्रैक्शन अकर। होप सो इज दिस क्लियर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये देखो इसमें जो रूल आया कि एक है कि अगर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो आप लिखोगे इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब है कि अगर रे ऑफ लाइट बिल्कुल 90 का एंगल बनाती है तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइट पड़ रही है, तो दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो, तो यहाँ पे आएगा नो रिफ्रैक्शन अकर। ओके, एक और चीज है इसमें, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर सेम हो, दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम होगा, इफ यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी इट ऑल्सो रिमेन अनडेविएटेड, मतलब सीधा ही निकल जाएगी रे, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर। ये आपके पास कुछ रूल थे, कुछ और चीजें लिखवाती हूँ। अब स्पीड के बारे में बात करते हैं कि दो मीडियम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मीडियम जो है तीन तरह का होता है, एयर, वाटर और ग्लास, तीन तरह का मीडियम है, ठीक है। अब इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ता है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो जो है इक्वल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको पूछा जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2×10⁴ वाटर में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ग्लास का पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये होगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें आप देखो खुद कि मीडियम कितनी तरह का होता है, तीन तरह का होता है, एयर, वाटर और ग्लास, ये तीन मीडियम हो गए। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पूछा है तो आप लिखोगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट पूछा है वाटर के अंदर कितनी है, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास तो आप लिखोगे 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर रेयरर मीडियम गिवन है हमें और डेंसर मीडियम गिवन है, ठीक है, अब इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट का कैसे फर्क पता चलता है, तो यहाँ पे जब रेयरर मीडियम गिवन है तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, यहाँ पे जो है लाइट जो है इंक्रीज, स्पीड जो है लाइट की इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैंने बोला है कि रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम, तो इसकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको डेंसर दिया है तो इस केस में जब भी कोई डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। जैसे आपको अभी आपने पढ़ा वाटर और ग्लास, ये दो डेंसर मीडियम है, ग्लास में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसमें 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
मतलब स्पीड, यहाँ पे एयर देखो, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक होता है जब मीडियम गिवन नहीं है, इफ नो मीडियम इज गिवन, नो मीडियम, मीडियम कोई भी गिवन नहीं है, ठीक है, ना एयर ना वाटर, तो तब क्या होगा, ठीक है, नो मीडियम, तो इट कैन बी मोर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आपको कोई भी मीडियम गिवन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इट कैन बी मोर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इससे जो है ज्यादा होगी, क्लियर। अब देखो इसमें इतना करने के बाद, अब देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले है ये, देखो ये कोई सरफस है, ठीक है, ये आपको जो है दो मीडिया, मतलब सेपरेटिंग सरफस, यहाँ पे सरफस सेपरेटिंग, ये कोई सरफस है, ये दो मीडियम को अलग करता है, यहाँ ये जैसे एयर हो तो यहाँ पे वाटर और ग्लास हो, तो ये दो मीडियम को अलग करता है। तो यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, एयर मीडियम है, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल बनेगा, ये इसका नॉर्मल बना, तो अब देखो एयर, एयर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम, और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। अब लाइट रूल फॉलो करेंगे कि अगर लाइट जो है, ये इंसिडेंट रे जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। इस केस में यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे जो आर बनेगा, ये वाला आर, आर जो है वो लेस देन होगा इंसिडेंट लाइट से, ओके। यहाँ पे रूल के मुताबिक अगर हम बात करें, तो हम अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करिए किसी सरफस के ऊपर, ये जो है ये सरफस ऐसा है, सेपरेटिंग सरफस है, ये दो मीडियम को अलग करता है, एयर और वाटर को अलग करता है, और यहाँ पे आर जो है वो लेस देन है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब दूसरा केस देखो, इसमें सेकंड है, यहाँ पे अगर आपको कोई लाइट है, ये सेपरेटिंग सरफस है, यहाँ पे डेंसर मीडियम दिया है और यहाँ पे रेयरर मीडियम दिया है, तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रही है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, और ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रूल फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे ये जो है, ये इस टाइम में यहाँ पे बनेगा इंसिडेंट रे बनेगी, ठीक है, और ये इसका जो है रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, तो यहाँ पे आर जो है, आर ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रूल फॉलो होगा। अब देखो इसमें है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ये देखो इसको कराने से पहले, दिस इज ए इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लिखोगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यहाँ पे एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको पूछा जाता है एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप लिखोगे एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अगर आपको इंसिडेंट रे के ऊपर पूछा जाता है, तो आप देखो रे ऑफ लाइट जो है, ये वाली रे
इसके ऊपर फॉल कर रही है सरफेस के ऊपर, जो दो मीडियम को अलग करता है, तो ये बनती है इंसिडेंट रे। सेकंड है रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे के बारे में अगर डिफाइन करना हो तो आप लिखोगे रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अदर मीडियम, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर गई। अगर ये यहाँ से आ रही थी, ठीक है, इसको सीधा आना चाहिए था, तो ये सीधा ना आके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, अपना पाथ चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, आगे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करें, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज कॉल्ड एंगल। यहाँ पे फर्स्ट रूल आ गया। सेकेंड रूल ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट जो है, दिस इज, इसको जो है म्यू से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको पूछा जाए कि यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे आएगा नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। ओके, इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक और दो चीजें आती है, इसका फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं सीधा ही लिख रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड कितनी थी, ये फॉर्मूला आएगा। और दूसरा आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ओके, अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर जा रही है लाइट, ठीक है, दैट मीन यहाँ पे रेयरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ठीक है, एयर टू वाटर जा रही है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल है। मान लो आपको दिया है, अब स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे आपको एयर का दिया है, तो एयर की कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁻²⁰ मीटर/सेकेंड, और वाटर की कितनी होती है, 2.25 × 10⁻²⁸ मीटर/सेकेंड, ये कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 3, ये पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे बना 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 225। अगर मैं इसको कट करती हूँ 5, 6 द, तो यहाँ पे 5, 4, 45, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 30, 3 से करूँ तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो दिस इज 4/3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.33 के
इक्वल डिवाइड कर दो 4 को 3 से, आपके पास 1.33 आ जाएगा। अब देखो सेकेंड, अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू ग्लास, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाओगे, तो लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I/sin R, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, तो ये बना 1.4। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आप लिखोगे 1। ठीक है, तो अगर नो मीडियम कैन हैव, यहाँ पे लिखो नो मीडियम कैन हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, नो मीडियम कैन हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेस देन 1 होगा। ओके, इज दिस क्लियर? अब देखो कुछ एग्जांपल है रिफ्रैक्शन की। फर्स्ट जो है एग्जांपल है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई वाटर टैंक है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास ये लिखो यहाँ पे वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर यहाँ पे एक लाइट, यहाँ से ये वाटर सरफेस है, ये सारा वाटर सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे निकली यहाँ पे सीधा, अब रूल क्या है कि जब वो नॉर्मल निकलेगी, ये देखो ये पानी से बाहर आ रही है रे, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, डेविएट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वाटर इज ए डेंसर मीडियम और ये वाला एयर मीडियम है, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो कहने का मतलब है जब ये लाइट ये जो है यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये इसका नॉर्मल बनेगा, रूल्स फॉलो होंगे। अब देखो डेंसर टू एयर आ रही है, ठीक है, तो ये क्या आएगी, नॉर्मल से पीछे हट जाएगी, दिस इज ए नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से वो पीछे हटेगी, तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस जो है यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से दोबारा देखो, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करी, तो ये जो है यहाँ से ऐसे, मतलब ये इसका नॉर्मल, या उसने पाथ चेंज कर लिया, अगर मैं इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, तो ये जो है इमेज मेरे को इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ दिखेगा, दिस इज आई, आई इज द अपेरेंट डेप्थ, मतलब मेरे को ये, जैसे मान लो ये कॉइन था, ये मेरे को यहाँ दिखना चाहिए था, ये मेरे को यहाँ ना दिख के यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अब पहला फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू वाटर जा रही है, तो ये जो है डेंसर टू एयर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा अपेरेंट पोजिशन के ऊपर। सेकेंड है इसका कि अगर आपके पास ये देखो, ये एक टब है, ठीक है, यहाँ पे कॉइन पड़ा है, यहाँ पे कॉइन है, ठीक है, आप यहाँ से उसको देख रहे हो, ये आपकी पोजीशन है, आप यहाँ से उसको देख रहे हो ये, ठीक है। अगर मैं इसी में पानी डाल दूँ, पानी डाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये जो है आप ऐसे देख रहे हो इसको, ठीक है, तो ये जो है, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से जो है रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करी, और ये जो है अपना पाथ चेंज कर गई, ये देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकली, और यहाँ पे जो है ये इसका नॉर्मल है, क्योंकि ये डेंसर टू जा रही है,
तो यहाँ पे अगर मैं पीछे दिखाऊंगी तो मेरे को इसका इसको इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ तो आपको जो है कॉइन यहाँ दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन का फर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा आप प्रिंसिपल रूम में जाते हो तो उनके टेबल के ऊपर मिरर पड़ा होता है, तो गिलास पड़ा होता है, शीशा पड़ा होता है, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की कटिंग रखी जाती है नीचे, तो अगर आप देखते हो तो वो चीज़ें आपको उभरी हुई दिखाई देती हैं, ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं। अब देखो एक और चीज़ है इसमें, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। मतलब ये देखो, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ग्लास का बना हुआ है, यहां से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास और वाटर हो सकता है, डेंसर मीडियम है, रूल वही फॉलो होंगे, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई, तो कहने का मतलब ए बी जो है इंसिडेंट रे है, ये इसका जो है ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये बेंड टुवर्ड द, ये इसकी तरफ झुकेगी, बेंड टुवर्ड यहाँ पे आई और आर, यहाँ पे मतलब इस केस में आर जो है छोटा होगा। रूल क्या फॉलो हुआ कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो रेयर से वो डेंसर में जा रही है तो वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। और अगर यहाँ पे नॉर्मल बनता है, अब देखो ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, यहाँ पे डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से पीछे हट जाएगी। अब इसी अगर लाइन को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इंसिडेंट लाइट को, ये वाली जो रे होती है दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, और ये वाली जो रे होती है इंसिडेंट रे, ये दोनों लाइंस आपस में पैरलर होती हैं, ठीक है, ये रेज जो है पैरलर होएंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो बीच का डिस्टेंस होता है जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है, जहाँ इसको डी का नाम दे दो, तो ये लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब रेक्टेंगुलर ग्लास से लाइट पास हो रही है तो रूल जो है, रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, ग्लास ब्लॉक जो है, यहाँ पे देखो ये शीशे का ग्लास है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये पास कर रही है, कहाँ से, एयर से डेंसर में आएगी तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, अगर यहाँ से डेंसर से वो बाहर की तरफ आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रिज्म दिया है, प्रिज्म, प्रिज्म में क्या है, दिस इज ए ट्रायंगुलर शेप, ऐसे होता है, दिस इज ए ट्रायंगुलर शेप ए बी सी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इसके जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड, मतलब फाइव प्लेन सरफेस होते हैं, फाइव प्लेन सर्फसेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये जो है प्रिज्म का है और सिंबल इसका एबीसी है, ठीक है, और यहाँ पे फाइव प्लेन सर्फसेज होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको ये कोई प्रिज्म दिया है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये जो है क्योंकि यहाँ से ये एयर मीडियम है तो ये जो है ये इसका नॉर्मल बनेगा, ये बेंड, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इसका नॉर्मल बनेगा और ये जो है हमेशा बेस की तरफ झुकेगी,
ये इसका बेस होता है, तो ये लाइट जो है रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड रे। ओके, ये जो है यहाँ पे इसको सॉरी यहाँ पे लिखो, इस रे को लिखो रिफ्रेक्टेड रे और इसको लिखो इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ओके, क्योंकि ये ग्लास है और रे जो है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ओके, आगे देखो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कहने का मतलब ये जो प्रिज्म है, अगर रे ऑफ लाइट यहां स्ट्राइक कर रही है ये इसका नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आगे जो लाइट जाएगी यहाँ से वो इसको जो है यहाँ से जो भी लाइट आगे जाएगी वो उसको स्प्लिट कर देगी सेवन कलर में, ऐसे सेवन कलर में वो लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं विब क्योर थ्योरी। विब क्योर थ्योरी मतलब अगर प्रिज्म में से लाइट पास हो रही है तो वो लाइट को जो है स्प्लिट कर देगी, लाइट जो है जो सर जो लाइट है वो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर, ये सात कलर से मिलके बनी होती है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाइट लाइट किससे बनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर, इसको विबग्योर थ्योरी के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट, ई आई फॉर इंडिगो, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ओके, तो कहने का मतलब है जब कोई व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म के अंदर से तो वो उसको उसके सेवन कलर में डिवाइड कर देती है और उसको बोला जाता है विबग्योर थ्योरी, और जो व्हाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन है सेवन कलर का, तो इसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब है कि जो इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कॉजेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने बोला कि सेवन कलर है तो इसमें जो है कौन सा हमने यूज किया था, विबग्योर, ठीक है, ये सेवन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर, जितने भी कलर्स हैं, ऑल कलर इज सेम इन एयर और वैक्यूम, और वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। बट अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम गिवन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब वो वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जब गिवन है तो उसमें जो है उसकी स्पीड डिफर कर जाती है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफर कर जाती है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम गिवन है जिसमें वाटर और ग्लास हो सकता है, वाटर और ग्लास, ठीक है, तो स्पीड ऑफ जो है, स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इज मिनिमम, और जो है रेड लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। ओके, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर गिवन है आपको, ट्रांसपेरेंट मीडियम,
जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, वो जो है डिफरेंट कलर का डिफरेंट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब मीडियम गिवन होगा, एयर है कि वाटर है वो डिपेंड करेगा ठीक है। उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का, वॉयलेट लाइट का वो मैक्सिमम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले आपको स्पीड पूछी थी, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड लाइट का मिनिमम होगा। मिनिमम कहने का मतलब कि जब व्हाइट लाइट जो है एंटर करती है प्रिज्म में, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जाती है, और पहले उसके एक फेस पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरे पे होता है, तो वो उसको सेपरेट करती है। होप्स हो कि आपको ये वाला जो है टॉपिक क्लियर होगा। दिस इज ए शॉर्ट रिविजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इस चीजों को नोट करो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।